सबसे पहला क्लोन क्या है ये समझो। हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था क्लोन के बारे में। क्लोन अभी कोई भी प्रोडक्ट जैसे एलईडी फ्लैश लाइट ले लेते हैं, ये एलईडी फ्लैश लाइट है, ये अनब्रांडेड का कोई प्रोडक्ट है। टॉर्च लाइट है, ये अनब्रांडेड का प्रोडक्ट है जिसके 6 मंथ वारंटी थी। जब हम लोग पेयर कर रहे थे मतलब इसमें सेम स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर कर रहे, ब्रांड भी सेम, मॉडल नंबर सेम, इमेज सेम, सब कुछ सेम को हम लोग यहाँ पे पेयर कर रहे थे, है ना। यहाँ पे जब पेयर कर रहे थे तो अपना हम लोग प्राइस बदल पा रहे थे, ऑफर प्राइस, एमआरपी नहीं बदलने का ऑप्शन था और स्पेसिफिकेशन को हम लोग बदल नहीं सकते थे। जो ये स्पेसिफिकेशन है पूरे इसको हम लोग नहीं बदल सकते। अभी ना मैं ब्रांड बदल पा रहा था ना पिक्चर बदल पा रहा, पर क्लोन का थोड़ा प्रोसीजर अलग है। क्लोन में हम लोग जो कॉपी करेंगे, पहले क्या हो रहा था पेयर में पूरे प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे थे, क्लोन में सिर्फ हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन को कॉपी करेंगे। यदि अपने को इस प्रोडक्ट का सिर्फ स्पेसिफिकेशन कॉपी करना है, मतलब सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को क्लोन कर सकते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन यदि अपने को सेम चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कैटेगरी का प्रोडक्ट है एलईडी फ्लैश लाइट, हमको ये पता चल गया, हम यहाँ पे जाएंगे कैटलॉग प्रोडक्ट एड न्यू ऑफरिंग, नया टैब में खोलते हैं। कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो एलईडी फ्लैश लाइट, यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर देंगे कैटेगरी, यहाँ पे आ गया एलईडी फ्लैश लाइट, हमने चूज कर लिया। देखो यहाँ पे आया नहीं जब, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से अपने को चूज करना पड़ता है, यहाँ से आप चूज करेंगे। यहाँ पे देखो अभी जनरल इन्फॉर्मेशन आ गया, कैटेगरी का नाम ऑटोमेटिकली चूज हो गया। अभी आपको ऐसा ही प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन है, प्लास्टिक का, 6 आवर का बैटरी लाइफ, A4 बैटरी, 6 मंथ का वारंटी, 10 सेंटीमीटर लेंथ, प्लास्टिक 40, सेम आपको यदि कोई प्रोडक्ट को क्लोन करना है, मतलब यही सेम तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो इस प्रोडक्ट आईडी है इसको कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एलईडी फ्लैश लाइट मतलब इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अभी आपको ब्रांड अलग ब्रांड का चाहिए, अपने ये ब्रांड का नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ब्रांड चूज कर लेंगे। यदि मुझे मैं दूसरा कोई सेम स्पेसिफिकेशन का पर मैं कोई दूसरा ब्रांड का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, तो बोलिए यहाँ पे कोई भी ब्रांड हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लू कैट, ये हम लोगों ने एक ब्रांड ले लिया ब्लू कैट, ये ब्रांड का हम लोग प्रोडक्ट को पब्लिश करने वाले हैं, ये ब्रांड का प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इस कंडीशन में, तो अपने को ये मैनुअली चूज करना पड़ेगा हाउसिंग मटेरियल, ये आपका प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम का है, प्लास्टिक का है, यहाँ पे आप मैनुअली चूज कर सकते हो, या यदि आपको सेम स्पेसिफिकेशन लग रहा है कि सेम स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करना है ये वाला, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, सबमिट। एलईडी फ्लैश टॉर्च लाइट आ गया स्पेसिफिकेशन, इसको करेंगे सबमिट। प्लास्टिक 6 मंथ वारंटी, A4 वारंटी 6 मंथ, लाइट ऑन टाइम 6 आवर्स का, देखिए सेम स्पेसिफिकेशन मेरा यहाँ पे आ गया, प्लास्टिक 6 आवर्स, A4 6 मंथ, तो देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का भी आपको सेम आ गया। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि आपका बैटरी में थोड़ा बहुत, आपके जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप इसमें मैनुअली चेंज भी, किसी में आपको करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हम सेम, मेरा स्पेसिफिकेशन सेम है तो मैं सेम रखता हूँ। यदि सेम यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट डालना है, क्लोन नहीं करना है, तो आप इसको, ये जो आईडी है इसको नहीं डालो, इसको नहीं डालेंगे तो आपका ये नया प्रोडक्ट रहेगा, दोनों का प्रोसीजर सेम है। क्लोन में खाली क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन मुझे मैनुअली डालने की जरूरत नहीं होती, मैंने इसका आईडी कॉपी कर दिया तो सेम स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट में फिल हो जाए, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोन। हम इसको करते हैं 7 प्रोसेस। अब ये मार्केट में मुझे बताएगा कि मेरे स्पेसिफिकेशन में कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है। हमने ब्रांड क्या चूज किया था,
ब्लू कैट। तो ब्लू कैट में हमारा, हमने जो स्पेसिफिकेशन चूज किया है, उस स्पेसिफिकेशन में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है उस पर दूसरे ब्रांड में है, ग्लोबल बीम है, जो ये ब्रांड का एक प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल है, किसमें, प्लास्टिक में, 6 आवर्स में, A4 में और 6 आवर्स वारंटी में। एक प्रोडक्ट है जिसके आवर्स जो 500 रुपए में कोई बेच रहा है, और एक अनब्रांडेड का प्रोडक्ट। ऐसे दो प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन में देखो मार्केट में अवेलेबल है, पर मेरे ब्रांड में, मैंने जो ब्रांड चूज किया था ब्लू कैट, इसमें कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। यदि इस ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता तो यहाँ पे मुझे दिखते। ब्लू कैट में टोटल 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है, पर मैंने जो स्पेसिफिकेशन चूज किया था वो स्पेसिफिकेशन में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं। कुछ डाउट्स है यहां तक में? क्लियर है? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जब स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो हम इसको प्रोसीड विथ न्यू आइटम करेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे ब्लू कैट के जगह पे सेम स्पेसिफिकेशन है ग्लोबल ग्लोब बीम का भी प्रोडक्ट चलेगा, तो आप इसको डायरेक्ट यहां से चूज दिस आइटम कर देंगे, तो ये आपका क्लोन पेयरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा यहीं से। पर आपका प्रोडक्ट किस कंपनी का आएगा फिर, ग्लोब बीम का। पर आपको यदि ब्लू कैट का ही सेम स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसको चूज मत कीजिए, प्रोसीड विद न्यू आइटम। देखो आ गया, अभी यहाँ पे आता है मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अभी मुझे नया प्रोडक्ट हम लोग डाल, तो हमारा ब्रांड है ग्लोबीम, है ना, हमने यहाँ पे किस ब्रांड का नाम चुना है, सॉरी ब्लू कैट। तो हम देखते हैं सेम, आपके पास इस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा ब्लू कैट। ये ब्लू कैट का है प्रोडक्ट, देखो सेम, आपको मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेना पड़ेगा, कोई भी एक प्रोडक्ट कहीं से भी, या फिर आप ब्राउचर खुद तैयार करेंगे तो मैं आपको खुद तैयार करने का बता रहा हूँ, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली यदि आपके पास है इसके ब्राउचर वगैरह तो आपको करना पड़ेगा, वो वहां से आपको डालना पड़ेगा। ये वाला मान लो प्रोडक्ट है ना ब्लू कैट का, हम लोग ये प्रोडक्ट को डालने के लिए जा रहे हैं। तभी ये देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे जो आपके स्पेसिफिकेशन से ये मैच करता है क्या, नहीं तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा इसके स्पेसिफिकेशन। मेटेरियल इसका मेटल है और हम लोग इसको ले रहे हैं प्लास्टिक में, तो मुझे ये थोड़ा सा इसका फिर बदलना पड़ेगा मेटल में, क्योंकि नहीं तो आपको दूसरा कोई, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेटल को हम इसको प्लास्टिक बना सकते हैं। और ये लिथियम है, इसको मुझे बदलना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट का है बैटरी A4, ये थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, यही स्पेसिफिक तो हम इसमें ही चेंज कर सकते हैं, इसमें इसका MRP वगैरह दिया हुआ रहता है, इसका MRP नहीं दिया हुआ, करेंटली अनअवेलेबल बता रहा है। दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, प्राइस हुआ तो ज्यादा अच्छा है, अपने को तैयार करने में इजी हो जाता है, बाकी की चीजें हम चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। इसमें है ना 2500 से 2900 रुपया है, अभी आप जो रेट में बोलेंगे इस प्रोडक्ट को हम उसी रेट में हम इसको बेच सकते हैं। देखिए फिर कैसे करना है, मुझे इसके प्राइस को बदलना है ना, यदि मुझे इसका MRP ज्यादा चाहिए, ये प्रोडक्ट का MRP मेरे अकॉर्डिंगली मुझे इससे
ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो हम इसको बना सकते हैं। मॉडल नंबर अभी यह है, आपके अकॉर्डिंगली डाल दीजिए। मैं ब्लू कैट फ्लैश लाइट ऐसा ही डाल देता हूँ, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई एक्टिव बीड है क्या, तो मुझे इसका बीड देखना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये है, एक मिनट सुना, चल तो हम लोगों ने इसका डाल दिया डिटेल्स। अब इसके लिए एक्टिव बीड है क्या, हम यहाँ से चेक कर ले सकते हैं। बीड ऑनगोइंग बीड्स, यहाँ पे गए बीड्स ऑनगोइंग बीड्स। अब यहाँ पे हमारा किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है, तो एलईडी फ्लैश लाइट में। तो एलईडी फ्लैश लाइट में कोई प्रोडक्ट मार्केट में उस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट है क्या जिसका बीडिंग देख लेंगे। एलईडी फ्लैश लाइट डेट को आगे ले लो और कर जा सर्च, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने को दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई बीड अवेलेबल होता तो बीड नंबर डाल देते तो ये प्रोडक्ट हमारा 2 दिन में पब्लिश हो जाता। इसको पब्लिश होने में कितना टाइम लगता, 2 दिन। अब यदि ये नो करके हम आगे बढ़ेंगे तो इसको 7 दिन लगेगा। अभी मुझे नो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी बीड इसका अवेलेबल नहीं है, तो नो करते हैं 7 प्रोसेस, मैक्सिमम 7 दिन। हो सकता है कि ये भी 2 दिन में हो जाए। तो हमारा कैट जनरल इन्फॉर्मेशन और कैटलॉग इन्फॉर्मेशन हमने बना दिए। हमको इसे पूरा भरना है, क्वांटिटी ऑफरिंग, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और इमेज, ये तीनों हमको पार्ट कंप्लीट करना है। एज ए रीसेलर, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, आपका यदि कहीं पर दूसरा ओरिजिन है तो डाल सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये बनता है क्या, ठीक है चलो मैं मानता हूँ बनता है और 100% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, यस 100% कर देता हूँ। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं लगेगा तो अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। एमआरपी अभी इसके अकॉर्डिंगली यदि हम लोग आ गया, अब इसके अकॉर्डिंगली इसका एमआरपी है 2500 से 2900 रुपये, पर आपको यहाँ पे अलग कोई एमआरपी चाहिए तो भी आप दे सकते हो। मुझे इसका 5000 या 5000 एमआरपी करना है तो मैं 5000 भी कर सकता, पर मुझे इसमें बदलना पड़ेगा अपने रेट। ये जो रेट है इसको 5000 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो क्योंकि ये एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसको इंस्पेक्ट में जाएंगे, यहां से इसको इंस्पेक्ट। अब यहाँ पे आ गया इसका सोर्स कोड और यहाँ पे देखो इसका रेट दिया हुआ, इस पे क्लिक करो और यहाँ डाल दो 5,000, 5 हो गया 5, ठीक है। स्पेस देना है थोड़ा तो आप स्पेस दे सकते हो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे है एम क्यूब 5 पीसेस का, हम इसको 1 पीसेस का प्राइस 5000 का इंस्पेक्ट। वन पीसेस ये चेंज हो गया। अभी अपने को और क्या क्या चेंज करना है इसमें, कंडीशन न्यू, बैटरी एलईडी वाटरप्रूफ चलेगा ये 110, बैटरी लियोन है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा है ना, इसको हमको A4 बैटरी बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्ट, इसमें हम लोग चेंज करेंगे A4 बैटरी, ओके और कुछ वोल्टेज वगैरह मांग रहा है क्या, देखो इस पे वोल्टेज वगैरह दिया हुआ रहा था, वोल्टेज का भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं है ऐसा कुछ। हम वोल्टेज अपने अकॉर्डिंगली परफेक्ट है, ये हमने इसको डाल दिया एमआरपी 5000। देखो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके अकॉर्डिंगली बन गया। हम इसका ही
इसके पूरे पीडीएफ बना के हम इसको डाल सकते हैं, या फिर इसको छोटा कर लेता हूं और इसका इमेज में कन्वर्ट कर देता हूं। देखो ओके, अब इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करके इसको डाल देंगे प्रिंट प्रिंट नया, इसको करेंगे क्रॉप, क्रॉप फाइल सेव जेपीजी, इसको डाल दीजिए। एक मिनट, ब्रांड यहाँ पे देखो अलग कुछ आ रहा है, तो ब्रांड अपने को ऐसे ही चाहिए, ब्लू कलर लिखा हुआ है। फाइल सेव एज जेपीजी, ब्लू कैट एमआरपी, ये हो गया एमआरपी का प्रूफ 5000। ओके, हम ये वाला प्रोडक्ट को, ये जो हमने 5000 डाला, इसका ये एमआरपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे हम। क्या पे एमआरपी के तौर पे क्या क्या वो डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, देखो ये सबसे इजी था इसलिए मैंने आपको ऐसा तरीका बताया। आप ये छोड़ के दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। हम प्रोडक्ट का ब्राउचर बना रहे थे, इसको बोलते हैं ब्राउचर, या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी। पहले से यदि आपको कोई ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे इसके एमआरपी लिखा हुआ है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हो, पर उसमें एमआरपी लिखा होना चाहिए 5000। जो एमआरपी आप यहाँ पे डाल रहे हो वो एमआरपी का डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ होना चाहिए। जीएसटी का इनवॉइस, आपने जो परचेज किया है, परचेज में परचेज इनवॉइस यदि रहा तो भी चलेगा, परचेज इनवॉइस सेल नहीं, परचेज इनवॉइस, उसमें 5000 अमाउंट लिखा होना चाहिए जिसका एमआरपी 5000 है, तो भी वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। कोई इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चले इस प्रोडक्ट का एमआरपी 5000 है, या फिर जो ब्रांड है, कंपनी है, ब्लू कैट वाली कंपनी, उसने अपने लेटर हेड में लिख के दे दिया कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी इतना है, तो भी चल जाएगा। या फिर पैकेजिंग का फोटो, देखो कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है और उसके पैकेजिंग में एमआरपी लिखा रहता है, तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। इसमें से कोई भी आपको चूज करना है। तो मैंने अभी प्रोडक्ट का ब्राउचर बनाया अपने से, खुद से, मेरे पास तो कुछ नहीं था ना, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता था ना ब्रांड पता था, फिर भी मुझे डालना था तो मैंने इसके डिटेल्स खुद बनाए और डाल दिए। अब इसको करते हैं अपलोड इमेज, क्योंकि इसका प्रूफ देना पड़ेगा, जब हम भी कभी भी नया प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका प्रूफ मुझे देना ही पड़ता है। ब्लू कैट ये एमआरपी हम लोगों ने 5000 का बना लिया, क्योंकि एमआरपी अलग था, फिर भी हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स बना लिए। अभी आप इसको कितने में ऑफर करना चाहते हो, इसको 2000 में, 3000 में ऑफर करना चाहते हो तो 3000 में ऑफर कर सकते हो। 10% डिस्काउंट देना है, मैं 40% दे दे रहा हूँ। आप 3000, 4000, 4500 कितने में भी आप ऑफर कर सकते हो, 10% सिर्फ डिस्काउंट देना है। 4000 करना है 4000 भी कर सकते हो। ओके, मैंने ये स्लैब आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, आप डालते हो तो डालो, लोकेशन वगैरह खुद से चूज करो। और अभी क्वांटिटी, क्वांटिटी स्टॉक कितना है मेरे पास, 100 क्वांटिटी, मिनिमम 10 क्वांटिटी में दे सकता हूँ। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेस 1 से 10 के बीच, 10 एक्सेप्ट, और इसको 7 प्रोसेस। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या था क्लोन किया था, इसलिए ऑटोमेटिकली आ गया पूरा डिटेल्स, ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो वो आपको पब्लिश के टाइम पे वो क्वेरी निकालेगा। विड्थ वगैरह, डायमेंशन वगैरह है क्या, देख लो एक बार, नहीं है। बैटरी का वोल्ट वगैरह है सब, लेंथ विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, लाइट डेंसिटी भी नहीं है, वेट भी उसमें लिखा हुआ नहीं है, स्टोरेज ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ नो नो, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी मेरे पास नहीं है, इसलिए नो नो कर दिया। अभी आपने जो स्पेसिफिकेशन दिया है इसके लिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या क्या प्रूफ दे सकते हो, ओईएम का ऑथराइजेशन, यदि इस ब्रांड से आपके पास ऑथराइजेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आप ऑथराइजेशन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर सकते हो सेम, या फिर कोई मैंडेटरी लाइसेंस, इस प्रोडक्ट अवेलेबल है ब्लू कैट का, इसके रिगार्डिंग कोई लाइसेंस वगैरह है तो वो भी कर सकते हो, या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, पर इसमें क्या होगा, एमआरपी नहीं होना चाहिए, याद रखो, जब आप इसमें अपलोड करेंगे
इसमें एमआरपी नहीं होना चाहिए, निकाल दो एमआरपी और सेम आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाल देता हूं ब्लू कैट स्पेसिफिकेशन ठीक है, अब यहां पे अपलोड कर देते हैं स्पेसिफिकेशन। इसमें एमआरपी नहीं होना चाहिए स्पेसिफिकेशन, हो गया अपलोड सेव एंड प्रोसीड। अब इसके तीन फोटो जो प्रोडक्ट होंगे उसके तीन फोटो अपलोड करने हैं, तो तीन फोटो मेरे पास एक फोटो है उसको ही तीन फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी था, अब चाहो तो यही मॉडल नंबर डाल सकते थे या एडिट करवा सकते थे, या मॉडल नंबर निकाल देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इसको निकाल भी सकते हैं। फाइल सेव एज जेपीजी फोटो ब्लू कैट वन सेम, इसको और एक बार सेव करेंगे जेपीजी ब्लू कैट टू, यही फोटो को तीन बार रिपीट कर देंगे। ये हो गया मेरा फोटो, तीन फोटो मैंने एक ही को तीन बार बना दिया, अभी ये फोटो को अपलोड कर देंगे। ब्लू कैट वन ब्लू कैट टू हो गया, इसको एक्सेप्ट सर्टिफाई एंड सेव एंड प्रोसीड। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन क्लोज एक्सेप्ट और कैप्चर डाउन, ग्रेट योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड क्यू फॉर रिव्यू। ये रिव्यू के लिए चला गया, अब ये पब्लिश डायरेक्ट नहीं होगा, ये रिव्यू के लिए चला गया है ना, किसके पास गया जेम के पास। अब इस प्रोडक्ट का यहाँ पे दिखेगा वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, देखो वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, ओएम क्लियरेंस पे जाता तो ओएम के पास जाता, एडमिन क्लियरेंस पास गया मतलब ये जेम के पास चला गया। अभी जेम इसको वेरीफाई करेगा, जो मैंने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं, जो इमेज डाला है, जो स्पेसिफिकेशन डाला है, जो ब्रांड डाला है, वो सब कुछ प्रॉपर है क्या। यदि उसको लगेगा सब कुछ प्रॉपर है तो वो मुझे पब्लिश कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा है ना। यदि हम लोगों ने बिड आईडी डाला होता तो दो दिन के अंदर हो जाता था, नहीं तो मैक्सिमम ये 7 डेज का टाइम ले सकता है। और यदि पब्लिश नहीं हुआ, कुछ क्वेरी हुआ, तो वो मुझे नोटिफाइड प्रोडक्ट में भेज देगा। जैसे यहाँ पे देखो भेजा होगा अनब्रांडेड ग्लास बॉटल 2000 ml का हमने डाला था, 3000 रुपए एमआरपी डाला था, 2700 रुपए में डाला था। ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेरी भेज दिया, तो क्वेरी क्या है, सो रीजन इमेज मिसमैच विद टेक्निकल पैरामीटर, जो मैंने फोटो डाला वो गलत बताया है उस प्रोडक्ट के इमेज के साथ, मतलब जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है फोटो, इसलिए उसने मुझे क्वेरी भेजा। और टीपी फील्ड जो है वो गलत बताया, टीपी फील्ड में बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, टीपी फील्ड जैसे कि ISO नंबर हो सकता है ना, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट हो सकता है, ये सब कुछ टीपी फील्ड में आता है, तो वो भी मेरा गलत है। ये दो चीजें मुझे करेक्शन करके अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये अपलोड करना है तो यहाँ पे जाएंगे एक्शन, यदि मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा फोटो मैंने जो गलत डाला था वो, देखो ये ऐसा है, ये इमेज हमारे स्पेसिफिकेशन जो मेरा प्रोडक्ट का स्पेस उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। और टीपी फील्ड देखो यहाँ पे रहेगा, कहीं पर टीपी फील्ड का ऑप्शन रहेगा, वो भी मैंने मेरा प्रॉपर मैंने नहीं डाला, जनरल में रहेगा। बेस ऑफ बोटल रेक्टेंगुलर नहीं है मेरा, रेक्टेंगुलर नहीं है शायद, मेरा सिलेंडर की तरह है, और स्क्रू नेक ठीक है, हम इसको डाल देते, ये मैंने चेंज कर दिया, सेव सेव, अब इतना चेंज कर दिया सेव,
7 प्रोसीड। हम यहाँ पे इसके फोटोज हमारे प्रॉपर नहीं बता रहा है, तो मेरे पास इसके फोटोज होंगे, यही फोटो को मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिलेंडर के रूप, सिलेंडर ही है ना ये, कैसा ही सिलेंडर की तरह, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ सेम फोटो। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने इसके डाले होंगे नोटिफिकेशन, तो देखो व्यू डॉक्यूमेंट्स सेव इमेज एज वन गेट्स रिप्लेस्ड वन वाला, ये वाला है विथ पेंट क्रॉप फाइल सेव। फोटो मेरा सेव हो गया, क्लोज करता हूं, इसको तीन फोटो में कन्वर्ट करता हूं। पेस्ट पेस्ट, ये एक दो तीन हो गया, ये फोटो को अपलोड कर देता हूं। अपलोड इमेज चूज, और फिर से ये स्पेसिफिकेशन वेरीफाई के लिए चला जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद वो मुझे बता देगा। सर्टिफाइड 7% रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन क्लोज, फिर से पब्लिश के लिए चला गया है ना। अब यहाँ पे ये हमारा फिर से ये पब्लिश यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पे आ जाना चाहिए इसको, एक्चुअली यहाँ पे आया नहीं, पर यहाँ पे आ जाना चाहिए नोटिफाइड से, देखो निकल गया वो। अब यहाँ पे आ जाना चाहिए वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, अब यहाँ पे आ जाएगा वो बाद में, तो यहाँ पे आपको दिखना। चलो ये देखो आ गया, सॉरी अनब्रांडेड क्लास। अभी फिर से ये वाला जेम को चेक करने के लिए मैंने भेज दिया, जो भी इसने करेक्शन बोला था करेक्शन कर दिया और भेज दिया। अभी उसको सब कुछ फिर से सही लगेगा तो मेरा पब्लिश कर देगा, नहीं तो फिर से कोई क्वेरी वो निकाल लेगा। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिससे आप कोई भी नया प्रोडक्ट, चाहे उसके डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो या ना हो, आप चाहे तो ऐसा बना के आप कोई भी नया प्रोडक्ट पब्लिश अपने रेट में आप कर सकते हो, पर इसको टाइम लगता है, और जेम से आपको वेरीफाई करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नया प्रोडक्ट डालते वक्त आपको उस प्रोडक्ट का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने ब्लड गुलाबी बोतल डाला था, वो है अलग शेप का और मैंने स्पेसिफिकेशन कुछ अलग ही डाल दिया, तो फिर वो पब्लिश नहीं होगा, ऐसे चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और सब इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए एमआरपी वगैरह वो सब भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बोलिए कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए, नया प्रोडक्ट पब्लिश करने के लिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसे पेयर करके या क्लोन करके या ऐड करना पड़ेगा या अलग से डाल सकते हैं? हाँ, जैसा आपके ऊपर है, मैंने आपको अभी देखो पहले पेयर करना बताया, तो आप पेयर करना चाहते हो तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको पेयर कर सकते हो। यदि खाली स्पेसिफिकेशन कॉपी करना है तो क्लोन कर लो, और यदि आपको स्पेसिफिकेशन भी कॉपी नहीं करना है, पूरा पूरा नया प्रोडक्ट डालना है, तो नया करके बनाओ। तीनों तरीके से आप बना सकते हो। ठीक सर, नया जो अभी जो दिखाए क्लोन बनाने के टाइम पे एमआरपी है, उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कि बायर जब देखेगा कि हाँ प्रोडक्ट का ओरिजिनल रेट है 2000, हम डाल रहे हैं 5000? सर ये जेम वेरीफाई करता है, जेम ने वेरीफाई करके दे दिया, तो इसीलिए तो मैंने डॉक्यूमेंट्स को बदल के दिया ना, उसको प्रॉपर बना के दिया। अब इससे उसको कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट का 5000 एमआरपी था या 2000 एमआरपी था? हेलो, हाँ बोलिए सर। जैसे अपने कल देखा था, अगर अपने को पेयर करना है तो उसमें जो दो वेरिफिकेशन देता है कि नॉट वेरीफाइड बाय ओनर,
जब पेयर करते हैं अपन, तो क्लोन में भी ऐसा कुछ है कि कंडीशन कि अगर आपको करना है क्लोन तो उसके लिए पहले नहीं, 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 नहीं। मतलब बिना कोई वेरिफिकेशन के आप क्लोन कर सकते हैं कोई कंडीशन में? नहीं, जो जिसके लिए जो लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा सर। अभी यदि कोई ब्रांड उसके लिए अप्रूवल मांग रहा है तो अप्रूवल आपको उसको फिर वो OEM से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, मतलब वो नीचे लिखा रहेगा तो उस पे आपको अप्रूवल लेना। मितेश पटेल का है, मेनी टाइम्स जेम नॉट अप्रूव्ड द प्रोडक्ट, कैन वी हैव एनी शॉर्टकट? सर शॉर्टकट बोल के तो नहीं है, मैंने जो प्रोसेस बताया आपको यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। मुझे तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आया। यदि प्रोडक्ट का नहीं है इन्फॉर्मेशन है ना, यदि कोई पटेल सर, मैंने आज तक अभी तक सेम प्रोसेस से कितने सारे प्रोडक्ट पब्लिश कर दिए, तो क्योंकि प्रोडक्ट का इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और आपके जो प्रोडक्ट में जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। यदि ये दोनों चीजें प्रॉपर हो गया तो आपका प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पब्लिश नहीं होगा, आप अपने रेट में डाल सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स में कहीं मिस करोगे, कोई चीज प्रॉब्लम होगा तो फिर वो प्रोडक्ट पब्लिश नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का तरीका बताया कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे से कैसा बनाना है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, तरीका पूछ बोल सकता हूँ, बट मैं जैसे कि पहले बोला था कि हम कोई काम करके आपको नहीं दे सकते काम। यदि आपको कोई प्रोडक्ट मेरे से पब्लिश करवा के लेना है, दैट विल बी चार्जेबल बेसिस। हाउ टू जनरेट MRP डॉक्यूमेंट्स, हाँ इसमें कुछ आपको तकलीफ हो रहा है या कुछ पूछना है तो पूछ जरूर सकते हो। हाउ टू जनरेट MRP डॉक्यूमेंट, अभी जैसे मैंने बनाया वैसा आप बना सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा है आप अपने तरीके से सेम, यदि आपके पास ऐसा कुछ है, आपको फोटोशॉप की अच्छी नॉलेज है तो आप फोटोशॉप से बना सकते हो, या डायरेक्ट उस कंपनी से ऐसा ब्राउचर मंगा सकते हो, जहां से भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो, पर उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। जेम को आप जैसा देना चाहते हो वैसा आप दे सकते हो, जेम को डॉक्यूमेंट से मतलब है। डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा। सर ये जो प्राइस हमने मतलब फोटोशॉप के थ्रू कराई तो फिर ये प्राइस हमारी वहां पे अवेलेबल रहेगी? हाँ वही लिस्टिंग होगा ना, इसलिए तो मैंने कराया ना सर। मुझे MRP यदि वही चाहिए होता सेम प्राइस तो मैं इसको एडिट क्यों करता था, फिर मैं इसको 2000 ही रहने देता था ना सर। सर ये जिम वेरीफाई नहीं करता प्राइस एटसेट्रा, मतलब अगर वो अब खुद वहां पे सर्च करेगा ब्लू गेट सिक्योरिटी अलार्म फ्लैशलाइट तो फिर वहां पे तो प्राइस, मतलब सर जिम वेरीफाई नहीं करता है खुद की, मतलब ब्लू गेट सिक्योरिटी अलार्म फ्लैशलाइट हमने डाल दी सर, उसको अब कैसे पता चलेगा मुझे ये बताओ। आपको ये प्रोडक्ट आपको दे दिया तो आप कैसे इंक्वायरी करोगे ये प्रोडक्ट का MRP कितना है? सर जैसे हमने सर्च किया, हाँ पर तो हो सकता है ना इस प्रोडक्ट का अलग कुछ हो रेट, इतना यदि अभी पर डे उसके पास कम से कम हजारों में प्रोडक्ट आते होंगे या उससे भी ज्यादा। अच्छा सर, तो हर एक का उतना वेरीफाई वो लोग नहीं करते, इसके थ्रू से अभी हो जाता है जनरली। मेरे ही इसमें देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने अभी पब्लिश कर दिए नया, हमको कभी भी ऐसा तकलीफ नहीं आता है। तो फिलहाल जो चल रहा है मैं उसका आपको तरीका बता सकता हूँ। इसमें तो सर ये वाला मेरा है 16 GB रैम का, या ब्लीचिंग पाउडर भी मैंने डाला था। देखो अभी किसी ने क्लोन नहीं किया होगा तो पता चल जाएगा, 35 रुपए का ये शायद मैंने ही डाला है, नहीं क्लोन बहुत सारे ऐसा पाउडर दिखाता हूँ। ये रैम का देखो, ये अभी अवेलेबल है, कैटेगरी भी अवेलेबल है, निकल गया। वाटर नहीं, ये सब तो पुराना। नहीं सर, जो आपका रजिस्ट्रेशन
आपका रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे मतलब नहीं, आपको OEM प्रोडक्ट अपलोड करना है तो OEM बनना पड़ेगा, विदाउट OEM आप कैसे आप अपलोड कर सकते हो? ये सब कैटेगरी निकाल दिया गया था, ये सब में था मेरे पास, LED स्ट्रीट लाइट भी मैंने अपलोड किया होगा, ये वाला भी प्रोडक्ट शायद मेरा ही डाला हुआ है, ये वाला भी प्रोडक्ट मेरा ही डाला हुआ है, किसी ने इसको अभी क्लोन किया है, नहीं तो ये वाला प्रोडक्ट देखो मेरा ही डाला हुआ है, 150 रुपया। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो, एक ब्लीचिंग पाउडर का है, ब्लीचिंग पाउडर का भी एक बार डाला था मैंने इसलिए मुझे पता है, ये वाला भी प्रोडक्ट शायद देखो ये वाला भी मेरा ही होगा, ये वाला भी मेरा ही है, किसी ने इसको अभी क्लोन कर लिया इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है, ये वाला भी प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट मैंने ही डाला था यहाँ। हाँ OEM का रजिस्ट्रेशन का आगे बताऊंगा मैं, पर रीसेलर लोग नहीं कर सकते, OEM के लिए आपको OEM होना चाहिए, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ही आपको OEM पैनल मिलेगा, नहीं तो नहीं। चलिए बोलिए, नया प्रोडक्ट डालने के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं बताता हूँ। किसी को नया प्रोडक्ट डालते वक्त कुछ पूछना है, क्योंकि L1 यदि आपको करना है, L1 मैनेज करके काम लेना है, मैनेज करके बायर से आपकी अच्छी पहचान है और मैनेज करके काम लेना है तो आपको नया प्रोडक्ट डालना आना ही चाहिए। नया प्रोडक्ट डालना आएगा तो आप अपने रेट में मैनेज कर सकते हो, तीन अपने ही रेट में अलग अलग प्रोफाइल से, तीन अलग अलग प्रोफाइल से अलग अलग ब्रांड का तीन प्रोडक्ट अपने रेट में डाल के आप L1 करके लेके जा सकते हो अपने रेट में, आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसके वजह से नया प्रोडक्ट आना चाहिए। L1 में मस्ट है सर नया प्रोडक्ट डालना? नहीं मस्ट नहीं है, पर जनरली देखो रेट आपका ज्यादा रहा, देखो कम रेट में रहा तो L1 इजीली हो जाएगा, पर ज्यादा रेट में आपको डालना है तो फिर आपको फिर नया प्रोडक्ट डालेंगे तब ना ज्यादा रेट में आएगा ना मार्केट में प्रोडक्ट। Snehal madam, if you import product from other countries, how will we upload product? सेम तरीका है प्रोडक्ट अपलोड करने का, ऐसा कुछ नहीं, वो ब्रांड रजिस्टर है कि नहीं चेक करना है और उस ब्रांड में डाल देना है, आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, यदि वो ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आप अनब्रांडेड में वो प्रोडक्ट डाल सकते हो, आप इंपोर्ट करो कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेक इन इंडिया मत डालो, मेक इन इंडिया में परसेंटेज कम कर दो और कंट्री ऑफ ओरिजिन उस कंट्री का डाल दीजिए जहाँ का ओरिजिन है, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम ही रहेगा। तर क्लोन से तो बेटर फिर नया प्रोडक्ट ही डालना है, क्लोन में सेम मान लो देखो स्पेसिफिक अभी इसमें ठीक है, पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, देखो एड न्यू ऑफरिंग इसमें कम था इसलिए आप बोल रहे हो, कॉपियर पेपर ले, कॉपियर पेपर, प्लेन कॉपियर पेपर ये ले लेते, अभी देखो इसमें स्पेसिफिकेशन कितने हैं, अभी एक एक चीज आपको फिर मैनुअली डालना पड़ेगा, पर आपको लग रहा है कोई ब्रांड का प्रोडक्ट आपसे मैच कर रहा है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट आईडी डाल दो, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ना, आपका इतना टाइम सेव हो जाता है और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस टाइम पे क्लोन काम आता है, पर क्लोन भी बाद में नया में ही कन्वर्ट होगा। बोलिए और किसी को कुछ पूछना है नया प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, नया प्रोडक्ट डाल, हाँ बोलिए। जैसे प्रोडक्ट लाइक एयर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, कैन आई ट्राई टू एंटर जनरेट कैटलॉग बट दे आर नॉट अलाउइंग, जस्ट कैन यू चेक अप हाउ टू गो अहेड विद दिस प्रोडक्ट एयर सर्किट ब्रेकर? सॉरी सर आपकी मुझे पूरी क्लियर नहीं आई आवाज, प्रोडक्ट इज एयर सर्किट ब्रेकर, ओके air circuit breaker, I'll just give you. Air circuit breaker. Yeah.
पिंकी पिंकी देखो सर का प्रोडक्ट है एयर सर्किट ब्रेकर। देखो सब जो भी हम लोग प्रोडक्ट डालेंगे हर एक का सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं, एयर सर्किट ब्रेकर। अभी सर ये Q2 कैटेगरी का है, तो Q2 कैटेगरी के लिए जब भी कोई प्रोडक्ट Q2 कैटेगरी का है उसका हमने अभी बताया नहीं, हम अभी Q3, Q4 एंड Q5 कैटेगरी का बता रहे हैं। तो Q2 का रूल कुछ अलग है, इसके बाद हम लोग Q2 का बताएंगे, कैटलॉग खत्म होने के बाद हम लोग Q2 के बारे में बताएंगे। सर चौधरी सर, Q2 कैटेगरी का हमने अभी तक बताया नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था Q1 और Q2 कैटेगरी के कुछ रूल्स अलग है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। Q2 कैटेगरी का यदि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, Q2 कैटेगरी विदाउट ऑथराइजेशन आप नहीं डाल सकते, जो भी प्रोडक्ट है उसको ऑथराइजेशन आपको मस्ट है, ऑथराइजेशन है तो ही आप उसका प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बोलिए और किसी को कुछ क्वेरी?